किसी भी त्योहार या फिर किसी भी शुभ कार्य में खीर हम सबके घरों में जरूर बनाते हैं। तो आज मैं ठंड के इस मौसम में गुड़ वाली खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में जितनी टेस्टी उतना ही ये बनाने में बहुत ही आसान है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है फुल क्रीम, इसे मैं यहाँ पर उबलने के लिए छोड़ दूंगी। जब भी इसमें अच्छे से उबाल आ जाए हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। ध्यान रहे दूध हमें फुल क्रीम ही लेना है, इसी में खीर बहुत अच्छी बनती है, या फिर आप नॉर्मल भैंस का दूध भी ले सकते हैं। टोंड मिल्क बिल्कुल भी ना लें, इसकी खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। यहाँ अब हम देखें कि दूध में अच्छे से उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसे बीच बीच में 1 से 2 बार चला देंगे और उसके बाद इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। यहाँ दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 कप के करीब बासमती राइस लिया है और उसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें मिक्स कर लिया है। इसे भी हम जब तक चावल हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए, तब तक हम इसे दूध में अच्छे से उबाल लेंगे। ध्यान रहे दूध के साथ ही आप डाल दें, क्योंकि दूध को अगर आप अलग से गाढ़ा करेंगे और उसके बाद चावल डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ ये देखिए मैंने बीच बीच में से चला रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 2 से 3 यहाँ पे इलायची को इस तरीके से छील के खीर में डाल दिया, इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और यहाँ पर 5 से 6 मैंने काजू और 5 से 6 बादाम को बारीक कट करके इसमें डाला है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नारियल को कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है, इसका भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आपको जो भी आपके घर में है या फिर आपको जो भी पसंद है आप वो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 से 10 किशमिश भी ली हैं, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। किशमिश को मैंने काटा नहीं है, मैंने साबुत ही डाला हुआ है। अब हम यहाँ देखें कि खीर हमारी अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चावल को चेक कर लेंगे कि चावल हमारा अच्छे से पका है कि नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ हाथों से इसे हल्का सा मसलते हुए चेक किया है, चावल हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। जैसे ही चावल हमारा पक जाएगा उसके बाद हमें तुरंत से गैस को ऑफ कर देना है, और ध्यान रहे गुड़ हमें उसके बाद ही डालना है। यहाँ मैंने 1/2 कप के करीब गुड़ इसमें मिक्स किया है, तो यानी 1 लीटर दूध में आपको 1/2 कप के करीब इसमें गुड़ डालना है। इसका एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, ना तो इससे खीर आपकी बहुत ज़्यादा मीठी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा फीकी रहेगी, ये माप बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और ये खीर हमारी अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इस वजह से ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और गुड़ भी धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है, और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। कोई भी फेस्टिवल हो या फिर घर में कोई भी गेस्ट आ रहे हो, आप झटपट से ये खीर की रेसिपी तुरंत से बना सकते हैं, या घर में कभी मीठा खाने की क्रेविंग हो तो आप ये खीर बनाएं। और ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें कुछ भी हमने शुगर किसी भी चीज़ का ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप ये इस रेसिपी को कभी भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया रबड़ी की तरह गाढ़ी खीर हमारी बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की गुड़ वाली खीर की रेसिपी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।